नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है। 3 दिन में जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे वो आपको ड्रास्टिक देखने को मिलेंगे और 21 मई को मार्केट ओपन होगा। लेकिन कल आप ट्रैप में ना फंसना, कहीं से भी कल ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि मैं आपको इवेंट बताने जा रहा हूँ और उस इवेंट के बाद आपकी पूरी पोजिशनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो ट्रैप में नहीं फंसिएगा कल, बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 मिनट पहले अपडेट आ रही है कि कल 18 मई है, कल सैटरडे है और कल ट्रेडिंग होगी। कल एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होगा, जैसे कि आप दिवाली पे देखते हो मुहूर्त ट्रेडिंग। लेकिन आपको पता है दिवाली पे जो चीज़ होती है वो आपको पता है कि हमेशा हर साल होती है और वो जो फ्लक्चुएशन होते हैं उस समय अगले दिन उतना इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अगले दिन कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है, एक नॉर्मल इवेंट होता है, मार्केट फिर खुलता है और नॉर्मली बिहेव करता है। लेकिन जब इस तरीके से सैटरडे को अचानक से स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जाए और फिर 3 दिन की छुट्टी हो और उसके बाद मार्केट खुले और वो भी एक इवेंट के बाद मार्केट खुले, तो आपकी पोजीशन, आपकी ट्रेड ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, तो 18 मई को मार्केट खुलने जा रहा है। एनएससी बीएससी ने इसका टोटली देखिएगा अनाउंसमेंट कर दिया है। स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा, इक्विटी स्टॉक में भी आप ट्रेड करोगे और डेरिवेटिव सेगमेंट में भी आप ट्रेड करोगे, दोनों जगह पे आप ट्रेड करोगे। अब बात करते हैं व्हाई दिस सेशन इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी जो एक्सचेंज है उनके पर्टिकुलर साइट प्लेटफॉर्म पे भी ग्लिचेस आ जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे रिटेल ट्रेडर का पैसा लॉस ना हो, इसलिए एक रिकवरी साइट बनाई गई है जिसे कहते हैं डिजास्टर रिकवरी साइट। लेकिन उसकी बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है कि जब भी कभी मेन प्राइमरी साइट से डिजास्टर साइट पर हम स्विच होंगे तो कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे कोई भी डिजास्टर होने पर ये साइट आपके ट्रेड को काटने में, आपके ट्रेड को देखिएगा क्लोज करने में, आपकी पोजीशन को क्लोज करने में पूरी तरीके से हेल्पफुल होगी और एनएससी इसको तुरंत क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कल के ट्रेडिंग सेशन भी पता होने चाहिए। तो कल एक एक घंटे मार्केट खुलेगा, प्री ओपन होगा 9 से 9:08 के बीच में, फिर आपको देखने को मिलेगा 11:15 से 11:23 के बीच में, ये प्री ओपन है। क्लोजिंग टाइम है 12:40 से 12:50 के बीच में, और आपको पता है 1 घंटे से 9:15 से 10:15 इक्विटी सेगमेंट में और 11:30 से 12:30 ये आपका डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्केट खुलेगा। लेकिन एक एक घंटे मार्केट खुलेगा और आपको पता चाहिए 20 मई को मार्केट बंद है। 20 मई को क्या है, मंडे। तो आपने कहा चलिए कोई बात नहीं सर, 20 मई को मंडे है, मार्केट बंद है, छुट्टी होगी, कोई बात नहीं है, इतना कोई पैनिक वाली बात नहीं है। बट पैनिक वाली बात है क्योंकि 20 मई को कोई नॉर्मल इवेंट नहीं है, इवन मुंबई में इलेक्शन है। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक फेज में इलेक्शन वाले दिन मार्केट गिरा है। हर एक फेज में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से मार्केट में गिरावट हुई है, हर एक दिन जो भी फेज हुए हैं, अभी 4 फेज हुए हैं। तो 20 मई को क्योंकि मुंबई में इलेक्शन है इसलिए छुट्टी रहेगी, फिर आपको पता है कि आप कल ट्रेड करोगे तो उसकी पोजिशनिंग, तो सीधा इम्पैक्ट 21 मई को पड़ेगा और जिस कारण से विक्स बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। इस कारण से बहुत सारी पोजिशन डिस्टर्ब होंगी और आप सीधा एक्सपायरी पे ट्रेड करोगे, यानी कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को, फिर बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है कि दिमाग में रखना है कि बहुत सारी चीज़ें कल चेंज होंगी, रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे स्टॉक की सर्किट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन की रेंज में, ये सारी चीज़ें प्राइस बैंड के हिसाब से होंगी। ये अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आपकी पोजीशन भी ट्रैप हो सकती है और फिर वो 21 तारीख को ही खुलेगी। ये आ लगता है ट्रेडिंग में कई तरीके के कल रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे, तो आप देख सकते हैं नो न्यू पोजीशन आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए बी रेडी फॉर 21st,
कि यहाँ पे कल आप केवल देखिए मार्केट खुला रहेगा, बाकी चीज़ें आपको बस देखनी है और फिर 21 मई को एक्चुअल ट्रेड करना है इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग। तो फोकस करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरी तरीके से यहाँ पे 20 मई को छुट्टी है, इलेक्शन है, और इलेक्शन का इम्पैक्ट आपको 21 मई को देखने मिलेगा। राम राम।